एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आफ्टर लॉन्ग गोवा ट्रिप के बाद मैं अपने डेली रूटीन की तरफ आ चुकी हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपनी जिमनास्टिक क्लास में। वैसे मुझे जिमनास्टिक क्लास इसलिए ज्वाइन करनी पड़ी क्योंकि मेरी बॉडी जिम कर करके इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी कि मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो ख़त्म ही हो गई थी। उसकी वजह से ही मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, तो मैंने जिमनास्टिक ज्वाइन करी। लेकिन कहना पड़ेगा जिम से ज़्यादा जिमनास्टिक है, मतलब जिमनास्टिक जिम का बाप है। अब आपको मैं डेली ऐसे ही डेली व्लॉग्स बना के डाला करूँगी अपने चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत। जिमनास्टिक क्लास में पैदल ही जाती हूँ क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है दी जिमनास्टिक क्लास। काफ़ी अच्छा रहा, थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखी मुझे मेरी बॉडी में। सर ने बोला कर लोगी तुम, लेट्स सी कितना मैं कर पाती हूँ। इतनी तेज़ बारिश हुई कि देखो हमारा ये ही टूट गया एंट्रेंस वाला पेड़। आफ्टर ट्रेनिंग मैंने बनाई तोरी की सब्जी मोड़ी और शिवम के लिए। पहले मैं उसको फटाफट से काट के मैंने आटा बनना। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज तोरी की सब्जी कैसे बनाऊँगी। सीरियसली यकीन मानो इतनी टेस्टी बनती है, मतलब अमेजिंग। हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती है और कम मसाले वाली। शिवम और नॉडी को तो बहुत पसंद आती है। सो यहाँ पे मेरी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। घी भी मेरे पास है और ये है मेरे पास मसाले। सिंपल से मैंने इसमें डाले एक चम्मच देसी घी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम हल्का सा जीरा, नो हल्दी, हल्का सा धनिया। मैंने ऐड करा एक गिलास पानी बस, और वाटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तोरी में थोड़ी पानी छोड़ दिया है। एंड 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट, हम लोग पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं। चेक कर लिए हमारी सीटी एकदम परफेक्ट है। 5 से 6 सीटियाँ हमें ज़रूर लेनी है। अपना डेली रूटीन का कि मैं क्या खाती हूँ मॉर्निंग में, तो मैं खाती हूँ पतंजलि का दलिया जो कि है मल्टीग्रेन। इसको मैं थोड़ी देर के लिए भिगोऊंगी, उसके बाद में इसको जो मेरे को फेवरेट वेजिटेबल्स होंगे उनके साथ में कुकर में भिगाए हुए। मुझे हो गया था आधा घंटा तो मैं बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने डाला 1 चम्मच घी, उसके बाद मैं डालूँ थोड़ी सी हींग। ये मैंने ऐड करा थोड़ा सा जीरा, मैं कुछ और डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज मेरा खाने का मन नहीं था तो मैंने आज ये इसी में ही ऐड कर दिया। यहाँ मैंने कट की 2 ग्रीन चिल्ली, इसको 2 से 3 सीटी आने तक गैस पर रखी है। सारे काम निपटा दिए फाइनली मैंने। थोड़ा सा इंटीरियर का काम कराया था और कारपेंटर भैया ने आधा ही छोड़ दिया था उसको, आज वो आ रहे हैं दोबारा से। तू इसे ही लेके नाचती रही है? क्या ये क्या पहनाना है? ये मतलब मेरा काम यही है, जब तुम्हारे फुटबॉल हो तब उतार के रखो, मतलब एक दिन पहनती हो एक दिन नहीं पहनती। तुमने पूरा तमाशा बना रखा है, अपने आप पहनना सीख लो तुम। मुझे नहीं आता हूं, कैसे पहनूंगी? सीखो, कुछ सीखो जिंदगी में अपने आप ही। हर जगह मम्मी काम नहीं आएगी। बोलो सॉरी मम्मी। क्यों तो बोलना ही पड़ेगा। क्यों बार बार उतार रहे हो? पहना नहीं रही मैं बार बार? उतार तो मैं ही हूँ ना। उतार भी मैं ही रही हूँ। अच्छा नहीं, उतारते तुम खुद ही रही हो। हाँ, तो देखो मैं। हाँ। मौसम तो एकदम गजब ही हो रहा है बंकू को घुमाने के लिए। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर उसको घुमाने के लिए क्योंकि बेचारा उठता है और फिर बैठ जाता है।
नहीं जाएगा पंकू। इतनी सुंगस आंगी तो भैया सीबीआई के कुत्ते भी नहीं करते। कि सर्चिंग इंजन चालू हो चुका है, सातों सेंस काम कर रहे हैं इसके। बंकू कुछ मिला? बंकू कौन से टीले पे चढ़ रहे हो तुम? ये देखो कलिया को, खुद आके खुद भी कंफ्यूज हो रहा है, हमें भी कंफ्यूज कर रहे हैं। कहाँ जाने का रास्ता है बंकू? यहाँ हमारे घर की 10 कदम की दूरी पे ही देखेगा इस गाय भैंसों का दूध मिलता है प्योर, बट उसके लिए हमें सुबह आना पड़ता है, तो सुबह शिवम आते हैं। ये देखो मुझे इसे कैसे खींच के लाना पड़ रहा है। चलो पंकू चल रहा है, पटवा के रहेगा अंदर भी। अब क्या है और दोबारा ये ग्रीनरी देख देख के खुश हो जाते हैं गाइस, भले ही हमारे पास पहाड़ जैसी खूबसूरती ना मिले, लेकिन हम सोसाइटी वालों के लिए ये ग्रीनरी देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो अब हो गई है शाम, ध्वनि लेके बैठ गई है मेरे पास अपनी किताबों की दुकान। इसकी हेल्प करी इसका होमवर्क कराने के लिए। हाँ ये भी सकते हम जा रहे हैं ना। हाँ जा रहे हैं, तुम अपने बिहार जा रहे हैं। लोग जो आ रहे हैं सब्जी खरीदने, हमारी सोसाइटी के बाहर लगती है, वीक में एक बार मार्केट स्टार्ट हो जाता है बाजार हमारा। अब हमें भी कुछ लेना पड़ेगा। ये बोझा उठाते हुए मेरी वीडियो।